लेंस के बारे में शीट नंबर 37 में ये वाला फॉर्मूला हमने किया हुआ है, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। लेंस का पहला पार्ट है, एवरी पार्ट ऑफ लेंस फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज इफ पोर्शन ऑफ लेंस इज ऑब्स्ट्रक्टेड फुल इमेज ऑफ लेस ब्राइटनेस इज फॉर्म्ड। आपको क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक लेंस है, लेंस का कुछ हिस्सा आपने ब्लैक पेंट कर दिया, तो इमेज का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जो रेज यहां से आ रही हैं वो अपनी जगह पे ही फोकस होंगी, पर ये वाली लाइट ब्लॉक हो गई तो इमेज तो वही बनेगी लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी क्योंकि लाइट ब्लॉक हो गई। ऐसे मार्क करने ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कहना कि इमेज बननी बंद हो जाएगी या कटी हुई बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, पूरी इमेज बनेगी, ब्राइटनेस कम होगी क्योंकि बाकी रेज तो वहां मिल ही रही है। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, चाहे लाइट को फर्स्ट सरफेस पे एंटर करवाओ या सेकंड से, फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू पे डिपेंड करती है। कटिंग ऑफ लेंस कर लिया हमने, अगर लेंस को ऐसे काट दें तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है क्योंकि आर वन आर टू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाँ आधी लाइट ब्लॉक हो गई, आधी तो गायब हो गई, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बात अलग है। लेकिन अगर वर्टिकल काटोगे, वर्टिकल से ये क्या बनेगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो जब मैंने लेंस को नहीं काटा था तो फोकल लेंथ एफ थी, मान लो फोकल लेंथ एफ थी, तो डबल कन्वेक्स लेंस में एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, तो इसमें आप एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव पुट करके फोकल लेंथ निकाल लेना, इक्वेशन नंबर वन आ गई। डबल कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है ये, डबल कन्वेक्स लेंस की, क्लियर है? और जब आपने इसको वर्टिकल काट दिया तो एक के प्लेनो कन्वेक्स बन गया, प्लेनो कन्वेक्स क्या होता है? इन्फिनिटी और आर, और फोकल लेंथ एफ डैश आ गई। तुम अगर एफ डैश और एफ को डिवाइड करोगे तो शॉर्टकट आ गया, नई फोकल लेंथ क्या हो जाती है? ट्वाइस। तो तुम्हें प्रूफ की जरूरत नहीं है इसको करने की, सीधा शॉर्टकट याद रखेंगे, वर्टिकल काटने से फोकल लेंथ क्या हो जाती है? ट्वाइस, और हॉरिजॉन्टल में कुछ चेंज नहीं। अगर लेंस एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नहीं बना हुआ, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर म्यू फाइव पांच ग्लासेस से बना हुआ है, तो इसमें पांच इमेजेस बनेंगी, जितने किस्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस तैयार होती हैं, याद रखना, क्योंकि ये अलग फोकस करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग, ये अलग और ये अलग करेगा, ठीक। और फोकल लेंथ जब वाइट लाइट पास करते हैं लेंस में तो वो सात रंगों में स्प्लिट हो जाती है, हर कलर की फोकल लेंथ डिफरेंट है, सात रंग हैं, सात रंगों की वेवलेंथ डिफरेंट है, सात रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है और सात रंगों की फोकल लेंथ भी डिफरेंट आती है। ये हम डिस्पर्शन में पढ़ेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। और अगर आप 1/v और 1/u का ग्राफ प्लॉट करें, मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट से या प्लॉट करने को आ जाए, तो एक इस टाइप का ग्राफ आपने प्लॉट करना है, ये सीधा याद रखेंगे। और कनकेव लेंस में अगर V और U का ग्राफ प्लॉट करें कनकेव लेंस में, तो ये ग्राफ सीधा ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आएगा, ये सीधा मार्क करेंगे, सीधा ही आता है, ड्रॉ करने का टाइम ही नहीं हमारे पास, इसकी वेरिएशन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। और ऐसे बुकलेट में देख लेना, कन्वेक्स लेंस का ग्राफ ऐसा होगा, ये सीधा याद करेंगे ना, अलग लगे थोड़ा सा, डार्क लाइन्स को करो, डार्क लाइन को हाईलाइट करो, सेम नहीं है।